हे हेलो लो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप सारे बंदे अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट। गाइस, जो भी बंदे फ्री फायर खेलते हो उनको भी देखना चाहिए, एंड जो बंदे फ्री फायर में यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हैं, या आपके पास यूट्यूब चैनल है, 2000 3000 4000 सब्सक्राइबर है, या लाखों के सब्सक्राइबर है, एंड 50000 60000 सब्सक्राइबर, ऐसे तो शायद 100 के ऊपर चैनल होंगे जो मेरे को सब्सक्राइब करके रखे, जिनके 10000 20000 40000 30000 करके सब्सक्राइबर है, एंड कितने मतलब हजारों चैनल से फ्री फायर के अंदर आजकल। तो गाइस, सबको ये वीडियो देखना चाहिए क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल होने वाला है सारे यूट्यूबर के लिए। एंड आई थिंक यही मतलब यूट्यूब में अभी तक इस तरीके की वीडियो अभी तक तो आई थिंक मैंने नहीं देखा कि किसी ने भी बनाया होगा, क्योंकि सब बिजी रहते हैं अपनी चैनल ग्रो करने में, एंड बीच में से कोई एक जो है बाजी मार देता है चुतियाप्पा करके। तो गाइस, ये चीज़ सबको देखना चाहिए, वीडियो शायद आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले, हम लोग यूट्यूब कम्युनिटी के बारे में बातचीत करेंगे। बेसिकली यूट्यूब कम्युनिटी का काम क्या है, यूट्यूब कम्युनिटी फ्री फायर कम्युनिटी करना क्या चाहिए और करता क्या है। तो भाई, इंडिया पे यूट्यूब कम्युनिटी होना चाहिए फ्री फायर का। क्यों होना चाहिए? क्योंकि गाइस, कोई अगर यूट्यूबर को हेल्प की ज़रूरत है उसको हेल्प भी करना चाहिए। अगर कोई कुछ एक चीज़ में डिस्कशन हो रही है तो वहाँ पे सारे यूट्यूबर को पूछना चाहिए कि कौन सी चीज़ सही करना होगा, कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी चीज़ ठीक है ठाक है, मतलब वो सब पूछना चाहिए सारी। अगर यूट्यूब कम्युनिटी पे 20 बंदे हैं तो अगर कुछ यूट्यूब के मामले में है क्या किसी को कुछ करना है तो गाइस 20 यूट्यूबर को ही पूछना चाहिए, उसके बाद ही उस चीज़ को करना चाहिए। तो ये आई थिंक उसको बोलते हैं यूट्यूब कम्युनिटी, ना कि गाइस तुम 10 यूट्यूबर को पैसे देके खरीद के रखो और अपनी मर्जी मन मर्जी से जो मर्जी करते रहो। तो फिलहाल तो ऐसे ही चल रहा है, 10 यूट्यूबर को खरीद के रखते और गाइस जो मन मर्जी करते रहते। तो गाइस, फिलहाल उसी चीज़ को इग्नोर करके हम लोगों को यूट्यूब कम्युनिटी बनाना पड़ेगा, जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ यूट्यूब कम्युनिटी जो छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं एंड जो थोड़े बहुत बड़े हैं एंड जो मेहनत कर रहे हो एंड में जाके आप यूट्यूबर बनना चाहते हो, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, ना करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्यों आपको यूट्यूब कम्युनिटी पे आना चाहिए और क्यों आपको यूट्यूब करने पे कम्युनिटी पे नहीं आना चाहिए, और ये सब मैं आपको बता रहा हूं इस वीडियो पे गाइस। तो आपको पता है गाइस, यूट्यूब में फिलहाल फ्री फायर में कोई कम्युनिटी है नहीं है, फिलहाल तो कोई कम्युनिटी है नहीं फ्री फायर में। अभी जो लोग बोलते हैं हमारी कम्युनिटी है, आप जाके देखो कोई कम्युनिटी नहीं है, सब फालतू के नौटंकी यार, फालतू के लफड़ा एंड सब बहाने मार के बैठे हैं और कुछ ना, काम धंधा कुछ करते नहीं है। तो फिलहाल यूट्यूब कम्युनिटी का काम क्या होता है, दूसरे यूट्यूबर के हेल्प करना। अगर कोई मतलब कुछ प्रॉब्लम्स आई है तो सारे यूट्यूब मतलब छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं, जो जितने भी यूट्यूबर हैं उन लोगों को बताना कि प्रॉब्लम क्या आ रही है एंड उसके ऊपर मैटर को सॉल्व करना। अगर कोई यूट्यूबर को कुछ काम नहीं आ रहा है या कुछ भी हो रहा है उसके चैनल के अंदर तो उसको भी हेल्प करना, एंड कुछ भी चीज़ की प्रॉब्लम आती है तो उसको सपोर्ट करना। तो ये होती है यूट्यूब कम्युनिटी के दूसरे यूट्यूबर्स के काम। तो अभी फिलहाल इंडिया पे जो बड़े बड़े यूट्यूबर है वो आपको पता ही हो, खुद ही वीडियो बना के दूसरे चैनल पे या मेन चैनल में बता चुके कि हमको भाई नहीं लेना दूसरे से बात, कोई दूसरे की हेल्प करना ही नहीं है मेरे। हेलो गाइस, तो आज हम लोग एक तबाही वाली एप्लीकेशन की बात करने वाले हैं गाइस। इसको गाइस नाम है नॉक्स लकी वॉलपेपर। गाइस इस पे गाइस जो है फ्री फायर के रिलेटेड बहुत सारे वॉलपेपर्स है, भर भर के लाइव वॉलपेपर्स, एंड यहाँ पे गाइस बहुत ज़्यादा ऑप्शन है जहाँ से गाइस आप वॉलपेपर की भंडार लगा सकते हो। यहाँ पे कैटेगरी से 20 के ऊपर गाइस 6 लाख के ऊपर आपको वॉलपेपर मिल जाएंगे। यहाँ पे लाइव वॉलपेपर देखो क्या मस्त वाले आते हैं, कैटेगरी से यहाँ पे हर टाइप की मिलते हैं आप मेरे लिए मम्मी डैडी को मैं घर पे मना। तो गाइस, और यहाँ पे गाइस आप टिकटॉक किसी भी जगह से, टिकटॉक इंस्टा फेसबुक कहीं से भी आप शेयर बटन पे क्लिक करो, और शेयर बटन पे क्लिक करने के बाद आप डायरेक्टली इस एप्लीकेशन को शेयर करने के बाद देखो जैसे मैं इस एप्लीकेशन को सिलेक्ट करता हूँ और गाइस इस टिकटॉक वीडियो को भी मैं अपनी वॉलपेपर बना सकता हूँ, लाइव वॉलपेपर बना सकता हूँ, मतलब मस्त चीज है, हर कुछ मिलता है गाइस। और इस तरीके से जो है वॉलपेपर वाले ऐप बहुत ही कम मिलते हैं, तो गाइस ऐसी वॉलपेपर की ऐप भाई वो भी बिना रेटिंग करके कोई मत जाना गाइस, चलो चलते और रेटिंग कर देते 5 स्टार। और गाइस बहुत बढ़िया ऐप है, अगर आपको अच्छा लगता है इस ऐप को तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है एंड गाइस कमेंट बॉक्स में भी लिंक है, जाके जरूर डाउनलोड कर दो एंड 5 स्टार रेटिंग जरूर देना। को ऐसे ऐसे वो खुद ही बता चुके, जैसे सुनीता मैडम अपनी वीडियो पे बोल दिया उस दिन कि यार तुम्हारी चैनल है, तुम्हारी प्रॉब्लम है, हम क्यों क्या करें, हम क्या कर सकते हैं, हम क्यों आपके लिए मतलब ये करें वो करें। तो वो है गाइस, ये है इंडियन, और उनको लेके यूट्यूब में कम्युनिटी बनाया जा रहा है, जिनको भाई कुछ फर्क ही नहीं पड़ता दूसरे चैनल्स गार मराए या कुछ भी हो जाए, आपको कुछ उन लोगों को उनको मेन थिंग है कि अपने को चैनल ग्रो करना है, अपने को मिलियंस पे सर्च कर जाना है, अपने को टाइम नहीं है दूसरे यूट्यूबर क्या हो रही है, क्योंकि सब यूट्यूबर अपने अपने चैनल को ग्रो करने में बहुत ज्यादा बिजी हो चुके हैं एंड आप लोगों की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको सॉल्यूशन देते ही नहीं है, वो करना ही नहीं चाहते क्योंकि वो तो खुद ही बिक चुके हैं ना, अपने ईमान को बेच चुके हैं दूसरे के हाथ। तो भाई क्यों बोल रहा मैं ये सब, तो भाई मेन थिंग आ जाती है गाइस, इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी फ्री फायर में गाइस कोई तो ऐसा कुछ है नहीं है फिलहाल,
इनमें सिर्फ एक ही चीज है पार्टनर प्रोग्राम, जिसको यूट्यूब कम्युनिटी की जैसे माना जा रहा है पार्टनर प्रोग्राम। बेसिकली आपको पता चल ही गया होगा यूट्यूब फ्री फायर पार्टनर प्रोग्राम है क्या। इसमें पार्टनर प्रोग्राम बेसिकली यह है कि पहले तो यूट्यूब में पार्टनर प्रोग्राम नहीं था फ्री फायर का, फिर फ्री फायर में कुछ भी होता था, अगर कुछ चीज़ों की कीमत ज़्यादा हो जाता था तो यूट्यूबर्स उसको रेटिंग वेटिंग करवा देता था, कोई अपनी स्ट्रीम में बोल देता था कि ये गलत हो रहा है, तो फ्री फायर उसको ठीक ठक कर देता था। बट उसके बाद आया फ्री फायर की पार्टनर प्रोग्राम, जिसमें क्या हुआ कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स को पैसे दे के, डायमंड्स दे के, मतलब आप अगर पार्टनर प्रोग्राम में हो तो आपको कौन कौन सी चीज़ की बेनिफिट मिलने वाला है, तो बेनिफिट ये है कि आपको डायमंड मिलेगा, आपको पैसे मिलेंगे, आपको गिफ्ट मिलेंगे। जैसे अभी देखा गोवा लेके गया, मतलब गोवा लेके गए सबको, तो ऐसे आपको ट्रिप मिलेगा फ्री का, तो ये सब आपको मिलेंगे, ठीक है, मतलब पार्टनर प्रोग्राम की तरफ से अगर आप फ्री फायर पार्टनर प्रोग्राम में होते हो। बट इनके कुछ रूल्स है, रूल्स क्या, आप फ्री फायर के खिलाफ कभी भी नहीं बोल सकते, मतलब आप फ्री फायर के खिलाफ बोल ही नहीं सकते कभी। आप अगर पार्टनर प्रोग्राम में हो तो अगर दूसरी यूट्यूबर चोरी कर रहे हैं, दूसरी यूट्यूबर हैक करके खेल रहे हैं, दूसरी यूट्यूबर कुछ भी कर रहे हैं, आप उसके खिलाफ भी नहीं बोल सकते, ठीक है, मतलब आप मतलब अपने ईमान को बेच दो, मतलब फ्री फायर के हाथ अपनी गांड मरवा लो और उसके बाद तुम फ्री फायर के हाथ से सब कुछ फ्री में लो। और भी बहुत सी फैसिलिटी मिलती है, लाइक आपको जो एडवांस सर्वर्स होते हैं उनका एक्सेस मिल जाता है आपको, ठीक है, कुछ भी, मतलब फ्री फायर की तरफ से जितना आपको, जो आपको देखे होंगे आप लोग की ड्रोन कस्टम रूम्स होते हैं जो आसमान से दिखाई देते हैं, तो उन सब की एक्सेस मिल जाता है आपको अगर आप मतलब पार्टनर प्रोग्राम में होते हो। तो इन सब की सारे मतलब जितने भी अच्छे अच्छे चीज़ होते हैं, जिस तरीके से आप चैनल ग्रो कर सकते हो, लाइक डायमंड्स, आप डायमंड्स उड़ाते रहो आपको चैनल ऐसी, आपकी चैनल ऐसी ग्रो हो जाएगा, तो ये सब चीज़ें आपको पार्टनर प्रोग्राम से प्रोवाइड किया जाता है फ्री में। और गाइज अगर आप पार्टनर प्रोग्राम में ज्वाइन करते हो तो आपको कुछ चीज़ें मतलब मैंने बताया जो करना पड़ेगा। आप फ्री फायर के खिलाफ कभी भी नहीं बोल सकते, आप फ्री फायर की अच्छी बातें कर सकते हो, मतलब फ्री फायर अच्छा है, फ्री फायर बहुत प्यारा है, फ्री फायर लाखों डायमंड देके हमको एक पैंट देता है। अगर मतलब आपको लक खराब है और आपको लाखों डायमंड लग जाता है एक बंडल निकालने में, फिर भी आपको बोलना पड़ेगा अरे फ्री फायर बहुत प्यारा है, मेरे को 1 लाख डायमंड में मेरे को एक बंडल मिल गया, डायमंड बंडल मिल गया। तो भाई ऐसे करके आपको नौटंकी करके बताना पड़ेगा कि मतलब अपनी ईमान बेच दो, अपनी गांड मरवा लो फ्री फायर के हाथ, फिर जाके फ्री फायर तुमको बहुत कुछ देगा। तो यहाँ पे गाइस मेन थिंग हो गया ऊपर। अभी 2 नंबर पॉइंट है कॉपीराइट की। कॉपीराइट क्या है गाइस? कॉपीराइट ये है कि अगर आपको पता ही होगा, आप अगर छोटे मोटे यूट्यूबर हो आपको पता ही होगा कि आप दूसरी की चीज़ें अगर चोरी करते हो तो आपको कॉपीराइट लगती है, या वो बंदा जो असली ओनर है वो कॉपीराइट दे सकता है। बट कुछ चीज़ें ऐसे भी है कि कॉपीराइट आ सकता है, जैसे गाइस जैसे पबजी एक गेम है, तो गाइस अगर आप पबजी खेलते हो और पबजी की वीडियो डालते हो तो पबजी कंपनी जो है, पबजी की जो मेन कंपनी है या पबजी की जो मतलब जो भी आप बोलो, तो वो लोग गाइस जो आपकी किसी भी वीडियो पे स्ट्राइक मार सकता है, क्योंकि वो अपनी गेम है, मतलब उनका गेम है, ठीक है, मतलब पबजी कंपनी आपकी कोई भी वीडियो पे स्ट्राइक मार सकता है अगर आपकी उस वीडियो पे पबजी की कोई भी गेम प्ले चल रहा है या पबजी की रिलेटेड कुछ भी है, ठीक है, क्योंकि वो पबजी मतलब पबजी की आप मतलब आप बोल भी रहे हो ना पबजी, तो वो भी गाइस एक कॉपीराइट क्लेम की तरह वो ले सकता है क्योंकि उनकी गेम है, ठीक है, मतलब लोगो वोगो सब कुछ। तो ऐसे तो पबजी वाले ऐसे नहीं करते, बट फ्री फायर में ऐसा होता है गाइस कि आप अगर फ्री फायर गेम खेलते हो और अगर फ्री फायर वालों की आप से दुश्मनी है, आपको गुस्सा आ रहा है फ्री फायर वाले को, मतलब फ्री फायर कंपनी को आपके ऊपर गुस्सा आ रहा है, तो आपको कॉपीराइट मार सकता है वो, ठीक है, बट इस कॉपीराइट को मार सकता है, बट कब मार सकता है, जब आप अकेले हो, जब आपके पास कोई पावर नहीं है तब मार सकता है, ठीक है, लाइक सोच लो कि फ्री फायर वाले मुझसे जलते हैं, जीएसके से जलते हैं, आपको पता ही है कि मैं वो हर वीडियो पे आए, अभी तो मैं तो अपनी ईमान नहीं बेच दिया गरीना के हाथ कि भाई मेरे को कुछ मिल नहीं रहा और मैं फिर भी मैं गरीना को अच्छा अच्छा बोलूँ, गरीना कुछ गलती कर रहा है फिर भी मैं गरीना को अच्छा अच्छा बोलूँ, या कोई बंदा हैक करके खेल रहा है तो मैं उसको ना बोलूँ कि वो हैकर है, अगर कोई बंदा चोरी कर रहा है, चूतियाप्पा कर रहा है, और मैं ना बोलूँ कि वो चूतियाप्पा कर रहा है, चोरी कर रहा है, क्योंकि मैंने तो यार पार्टनर प्रोग्राम में ज्वाइन नहीं हूँ, मैंने तो अपनी गांड नहीं मरवाया फ्री फायर से, मैं बोल ही सकता हूँ। बट फिर गरीना ने बोला कि ना तुम ये सब भी नहीं बोल सकते क्योंकि हमारे पास एक पावर है, पावर हमारे पास गांड है, ये गांड, गांड मतलब गांड सूजन नहीं है, इग्नोर दिस, तो गांड है मतलब हमारे पास पावर है क्योंकि ये गेम हमारा है, मतलब फ्री फायर हमारा है और तुम फ्री फायर को खेल रहे हो, इस वजह से हम तुमको कोई भी वीडियो पे स्ट्राइक मार सकते हैं। तो ऐसा है गाइस, फ्री फायर आपकी मतलब कोई भी वीडियो पे स्ट्राइक मार सकते हैं अगर आप उस वीडियो पे फ्री फायर खेल रहे हो तो आपको पता ही है, कुछ दिन पहले गाइज मैंने
वीडियो छोड़ा था कंट्रोवर्सी वाली, और उसमें सुनिए थे कि गान मार दी थी, गांड की गांड मार दी थी। तो उसके बाद गाइस जो है उन लोगों ने तो सिलेंडर वलेंडर कर दिया, वीडियो वीडियो ना ही अपलोड किया बाद में। फिर गांड ने दो तीन वीडियो अपलोड की थी, वो भी गांड मरा के डिलीट कर दिया उसने। मैंने तो अभी तक कुछ भी डिलीट नहीं किया, जो भी चैनल पे है मैंने तो बोल दिया था गद्दा में तो स्ट्राइक मार के दिखाओ। बट यहाँ पे मैंने सुनीता की गांड मार दी, सुनीता ने स्ट्राइक नहीं मारा, यहाँ पे मैंने मार भी नहीं सकता गाइस। और यहाँ पे हम मैंने गांड की स्ट्राइक, गांड को जो गांड के ऊपर वीडियो बनाई, गांड ने भी स्ट्राइक नहीं मारा। फिर मैंने जितने भी कंट्रोवर्सी वीडियो डाला है तो सब में गाइस जिनको कंट्रोवर्सी में इंक्लूड है या जिनको बोला गया उन लोगों ने स्ट्राइक नहीं मारा। तो ऊपर से क्या हो गया गाइस कि इनमें से कुछ बंदे जो है फ्री फायर पार्टनर प्रोग्राम में है, मतलब जहाँ पे अपनी इज्जत ईमान बेच के रखे है, या कुछ बंदे होते हैं जो इज्जत ईमान नहीं बेचे बट वो लोग अच्छे खासे वीडियो बनाते हैं, एंड वो लोग नॉर्मल वीडियो बनाते हैं एंड फ्री फायर पार्टनर प्रोग्राम से उनको, मतलब उनके सब्सक्राइबर कम है बट वो फ्री फायर पार्टनर प्रोग्राम में इसलिए है क्योंकि उनको थोड़ा बहुत सब्सिडी मिल जाता है बहुत चीज़ों का। तो उन लोगों को भाई छोड़ दो, उन लोग अच्छे के लिए, मतलब उनको ज़रूरत है वहाँ पर रहना। तो भाई यहाँ पे उनकी बात छोड़ के अभी फ्री फायर पार्टनर प्रोग्राम में ऐसा सीन है कि मतलब वो मैंने पहले बता दिया पार्टनर प्रोग्राम क्या है, क्या चुतियप्पा चीज़ है। अभी गरीना मतलब उसमें से कुछ बंदे ने शायद रिपोर्ट किया होगा जीएस के, हमारी गांड फर रही है, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे, आप लोग प्लीज़ जीएस के चैनल को डिलीट करवाओ, जीएस के ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, कुछ लोगों ने बोला होगा, पता नहीं क्या सीन है वो, मेरे को तो पता नहीं है। बट वहाँ पे आपको पता ही होगा जब मैंने पिछली वीडियो पे मैंने बताया था कि जब मैंने कंट्रोवर्सी ख़त्म किया तो वहाँ पे जो रिप्लाई आया था दूसरी तरफ से हमारी सुनीता मैडम फिर गान भाई आखिरी में ही बोल रहे थे, इनके पास तो कोई रीज़न नहीं था, मतलब कुछ जवाब नहीं पड़ा। अगर मैं कुछ सवाल कर रहा हूँ तो सामने वाला अगर पावरफुल होगा तो उस जवाब की आंसर देगा, बट इनके पास कोई जवाब है नहीं था, मतलब था ही नहीं था, मतलब क्या बोलते उसको, जवाब है नहीं तो क्या कर सकते। तो उन लोगों ने एक पॉइंट पकड़ा था कि जीएसके की चैनल डेड हो चुका है एंड उस चैनल को एक्टिवेट करने के लिए उसने कॉन्ट्रोवर्सी शुरू कर दी, और बहुत सारे चूतिया लोग, बहुत सारे चूतिए छोटे छोटे यूट्यूबर जिनको समझ नहीं है उतना ज़्यादा, तो उन लोगों ने बोल दिया हाँ हाँ जीएसके ना जो बहुत दिनों के बाद आया है तो उसकी डेट चैनल है, उसको एक्टिवेट करने के लिए उसने कंट्रोवर्सी शुरू किया। तो अगर यही होता है कि कंट्रोवर्सी से, हाँ मैं मान लेता हूँ थोड़ी बहुत एक्टिवेट हो जाती है चैनल, तो अगर मेरी चैनल एक्टिवेट हो गया था तो मैंने फिर से क्यों ऑफ कर दिया, क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए था वो वाले सब्सक्राइबर वो वाले व्यूज़। तो मैंने कंट्रोवर्सी किया एंड कंट्रोवर्सी करने के बाद मेरा चैनल एक्टिवेट भी हो गया, मैंने फिर से एक महीना वीडियो छोड़ना बंद कर दिया। क्यों पता है गाइस? क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए था वो सब, वो लोग जो बोल रहे थे ना उनकी एक ही पॉइंट ऑफ व्यू था कि मैंने डेड चैनल को एक्टिवेट किया कंट्रोवर्सी करने, ले भाई मैंने एक महीने के लिए फिर से वीडियो नहीं छोड़ा, फिर से डेड हो गया ना, फिर से मैं वीडियो छोड़ूंगा, दिखा अपनी पावर। तो यही थिंक हो गया गाइस, जो निकम्मे बंदे जो एक पॉइंट को लेकर पकड़े थे उसको भी सॉल्यूशन मतलब समझा दिया लोगों को, देखो मैंने एक महीने वीडियो नहीं छोड़ा, मैं फिर से शुरू कर रहा हूं, देखो तुम्हारी गांड ऐसी मार रहा हूं। तो भाई अभी गाइस बताओ, अभी इतने दिनों के बाद मैं चुपचाप मतलब घर में गेम खेलता हूँ, मैं वीडियो वगैरह नहीं बनाता हूँ, मैं वीडियो बना सकता हूँ, मैं डायमंड परचेस करता हूँ, गेम खेलता हूँ, मैं वीडियो बना सकता हूँ, मेरे सब्सक्राइबर भी बोलते बनाओ बनाओ जी इसके बाद वीडियो बनाओ लाइव करो, बट मैं नहीं करता। बट यहाँ पे इतने दिनों के बाद अचानक से जब ये लोग गोवा गए, गोवा में अपनी गांड मरा के आए कुछ यूट्यूबर, ये मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, मैं जस्ट अपनी मतलब गुरस निकालने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसे समझ लो, क्योंकि ये लोगों ने तो अपनी ईमान बेच के रखा है, तो सच में बेच के रखा है, आप लोग खुद ही प्रूफ हो जाना देख लो, प्रूफ देख लो, क्योंकि ये लोग खुद ही कुछ नहीं कर सकते, फ्री फायर के खिलाफ नहीं बोल सकते, कुछ अच्छे बुरा नहीं बोल सकते, तो अपनी ईमान तो बेच के रखे है। एक तरफ से आप ऐसा बोल सकते हो, आप अगर गलत हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो यहाँ पे गाइस अचानक से मेरे को तीन तीन स्ट्राइक आई गरीना की तरफ से, हाँ क्योंकि मैं फ्री फायर गेम खेलता हूँ, और मैंने यहाँ पे जो है इतने दिन से सुनीता ने मेरे को स्ट्राइक नहीं मार पाया, गैन ने भी नहीं मारा, और यहाँ पे दूसरी यूट्यूबर भी मार नहीं पा रहे, तो यहाँ पे अचानक से गरीना की तरफ से तीन स्ट्राइक आई, और रीज़न कुछ नहीं है, बट मैं मतलब रीज़न नहीं है क्योंकि उनके पार्टनर प्रोग्राम के अंदर जो बंदे हैं उनको मैंने गलत बोला, मतलब उनकी पार्टनर प्रोग्राम के अंदर वो बंदे हैं, वो अपने गान मरवाते हैं पार्टनर प्रोग्राम से, तो मैं उनको कुछ नहीं बोल सकता, गरीना उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, गरीना उनको प्रोटेक्ट कर रहा है कि हमारे पार्टनर प्रोग्राम के अंदर ये लोग हैं, हमको गांड मारने दे रहे हैं ये लोग, तो आप इसको जो है स्ट्राइक, मतलब आपको स्ट्राइक पड़ेगी अगर इन लोगों को आप मतलब कुछ भी बोलते हो, मतलब ऐसा सीन आ गया। ठीक है गाइस, तो गाइस अभी मेन थिंग है कि ये लोग बोलते हैं कि हमसे माफ़ी मांगो, वीडियो बनाओ तो हम लोग जो है इस कॉपीराइट स्ट्राइक को उठा लेंगे, और मेरा जवाब ये थे अपना माँ चुदा ले तो मेरा जवाब यही था कि अपनी माँ चुदा ले, मैं तो नहीं जवाब मांग रहा हूँ, और मैं भी, और मैंने ये बोला कि अगर तेरे को सुनीता ने बोला कॉपीराइट स्ट्राइक मारने के लिए और तूने स्ट्राइक मार दिया, या तेरे को गान ने बोला कॉपीराइट स्ट्राइक मारने के लिए और तूने मार दिया, तो एक बात बता
जब मैं तेरा जाके घर में गांड मारूंगा या कुछ भी करूंगा तो तेरे को सुनीता बचाने आएगी या गांड बचाने जाएगा, या तेरे को गरीना फ्री फायर इंडोनेशिया से आके बचाएगा या इंडिया पे जो तेरे ऑफिसर है वो तेरे को बचाएगा, ये बात बता पहले। तो वो बात अलग है, वो बात पे मैं बाद में जा रहा हूँ। वो तो अगर चैनल डिलीट होता, मतलब तीन स्ट्राइक पड़ने के बाद अगर एक चैनल डिलीट होता है, मतलब 7 दिन के अंदर डिलीट होता है, और मेरा 3 स्ट्राइक पड़ी एंड 7 दिन हो भी चुका है गाइस, एंड मेरे चैनल डिलीट नहीं हुआ है। और अगर डिलीट हो जाता, ये लोग मजाक मजाक में ले रहे हैं, मतलब जिसने स्ट्राइक मारी, अगर सोच लो कि मेरे को बोला भी गया कि गरीना ने स्ट्राइक मारी है और मेरा चैनल 7 दिन हो चुका है, मेरा चैनल डिलीट हो भी जाता, तो सोचो मैं किसका गांड मारता। मैं सीधा जिसने स्ट्राइक मारी वहाँ पे जीमेल एड्रेस पे जिसका नाम लिखा है, और मैंने उसका एड्रेस निकालता एंड उसके घर में जाके उसकी दोनों हाथ काट के बहन चोद यहाँ पे आके वीडियो बनाता कि देखो गाइस जिस दोनों बंदे ने मेरे को स्ट्राइक मारा ये दोनों ये उनके हाथ, ऐसे वीडियो बनाता, ठीक है। तो बट 7 दिन हो गए, मेरे को पता नहीं उनको अकल है कि नहीं है, कि उनको यार पता नहीं यार क्या इंसान है भाई, मतलब ज़िंदगी का डर नहीं है, पता नहीं है। सही है भाई, बेटा तुम बच गए, मतलब अभी तक चैनल डिलीट नहीं हुआ, ठीक है, कुछ कारणों की वजह से चैनल अभी तक डिलीट नहीं हुआ है। 3 स्ट्राइक लगने के बाद भी अगर चैनल डिलीट होता तो बहनचोद तेरी हाथ मेरी सामने पड़ी होती, काट के लेके आता। अभी गांड गेमिंग ने कुछ दिन पहले बोला था, तू जब स्टेशन पे आएगा तेरे को भून डालेगा, बहनचोद तू कभी सामने मिलना यार, तू मेरे से कभी पंगा लेना, तेरा स्टेशन दूर की बात, बहनचोद तेरे को पता भी नहीं चलेगा तू कहाँ से कहाँ चला जाएगा, तेरा स्टेशन क्या तेरा गाँव भी कुछ पता नहीं चलेगा, तेरी सब सब मतलब तेरे को ढूंढते रहेंगे, तू गायब हो जाएगा बीच में से। तो इसी वजह से गैंड ने अपने वीडियो डिलीट कर दिया होगा, पता नहीं मेरे को, तो वो बात अलग है, ठीक है। बहुत लोग बोलते थे जेंजीएस के भाई गैंड ने तेरे को गाली दिया लंड लसुन, तो उससे पहले मैंने उसको दी थी। तो मेन पॉइंट वही है, जो भी बंदे ये स्ट्राइक मार रहे हो बहनचोद, मैं एक बात बताता हूँ, मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रोवर्सी वीडियो किया था, तो अगर उसके सवाल की जवाब है तो आप वीडियो बना के दे सकते हो। अगर किसी का यहाँ पे गाइस कोई चीज़ कॉपी नहीं है, ठीक है, मैंने एक सवाल किया कि ये बंदा हैक कर रहा है, मैंने एक सवाल किया कि ये बंदा चीटिंग कर रहा है, तो अगर आप सही हो तो उसकी प्रूफ दिखाओ, ना कि तुम गरीना के पास अपनी माँ चुदा दो और उसका अपनी गांड मरा दो। यही तो हुआ ना गाइस, मैंने एक चीज़ बताया सुनीता को कि ये क्यों किया, तो उसके पास आंसर नहीं था, तो उसने गया गरीना के पास, बोला मेरी गांड मार ले थोड़ा सा, फिर गरीना क्या किया, ठीक है मार लेता हूँ थोड़ा गांड, अभी गांड मारने के बाद अभी बोल रहा है अभी जीएस को स्ट्राइक दे के इसकी चैनल डिलीट करवाओ, ऐसा सीन हो रहा है क्या, या ऐसा सीन नहीं है तो मेरे को खुल के बताओ क्या सीन हो रहा है, मेरे को पता नहीं है, मेरे को भी जानने की ज़रूरत है क्या सीन चल रहा है मेरे को। तो मैं तो बहुत अच्छा अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत दिनों से, और मैंने बहुत अच्छा होके भी देख लिया कि यार बहुत अच्छा होके कोई फ़ायदा नहीं है, तो यार मतलब उंगली को टेढ़ा करना पड़ेगा अभी। तो गाइस जो भी बंदे छोटे मोटे यूट्यूबर हो गाइस, इंडिया पे तो ऐसी भी कम्युनिटी है नहीं बहनचोद, यहाँ पे जो बंदे बैठे हैं अपने आप भाई अपने आप शेयर बन रहे, आप लोग देख सकते हो, कोई बोल रहा है मेरी चैनल ही नहीं देख सकता मैं दूसरों की क्या हेल्प करूँ, एक दूसरा बोल रहा है बहनचोद कि यार तुम्हारी प्रॉब्लम तुम खुद सोल्यूशन करो, तो भाई काहे का यूट्यूब कम्युनिटी, काहे का फ्री फायर कम्युनिटी, अगर तुम कहीं किसी का हेल्प नहीं कर सकते, तुम किसी का कुछ नहीं कर सकते तो माँ चुदाने के लिए कम्युनिटी बना के रखो, ये मेरे को बात बताओ। अभी मेन पॉइंट आता है कम्युनिटी, ये लोग 20 बंदे को पार्टनर प्रोग्राम में या 100 बंदे को पार्टनर प्रोग्राम के बेंचोद घुसे के रखे हैं, और पार्टनर प्रोग्राम के घुसाने के बाद तुम सोच रहे हो कि तुमने यूट्यूब कम्युनिटी बना लिया, गांड बना लिया, 2 सेकंड के अंदर फिर से नया यूट्यूब कम्युनिटी बना डालेंगे बेंचोद, तुमसे ज़्यादा भरोसा हमें करते बंदे, मतलब हद है। इतने सारे यूट्यूबर भाई बोलते हैं ना कि कम्युनिटी बनाओ कम्युनिटी बनाओ, हम नहीं बनाते इसलिए नहीं बनता, पता है, क्योंकि यार तुम सोचते हो कि गरीना के हम सुनते हैं, भाई गरीना के हम नहीं सुनते भाई, बेंचोद हम चाहे ना हम की गरीना सुनेगी, मतलब हम यूट्यूबर जो बोलेंगे गरीना वही करेगा, ऐसा हो सकता है गाइस। बट यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं होता पता है, ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि गरीना ने कुछ चूती यूट्यूबर का इज्जत खरीद के रखे है कि यार तुम नहीं बोल सकते हमारे खिलाफ, इसके बदले में हम तुमको पैसे देंगे, सब कुछ देंगे जो आपको चाहिए, बट इसके बदले में हमको भी कुछ चाहिए कि तुम हमारे बारे में कुछ नहीं बोल सकते, हमको बिजनेस करना है और सबकी गांड मार के करना है। अरे भाई तुमको बिजनेस करना है करो, गांड मार के करो, बट स्ट्राइक अलग चीज़ है, चैनल डिलीट अलग चीज़ है, अगर तुम्हारे पास वो अलग चीज़ है, स्ट्राइक ये बड़ी चीज़ होता है, तुम्हारी कोई चीज़ कॉपी नहीं हो रहा है आप पे, तुम्हारी किसी चीज़ को गाली नहीं दिया जा रहा है, अगर गाली दिया जा रहा है तुम उसको बोल सकते हो, लाइक जीएम रेमी बहुत एक बच्चा बंदा अच्छा था जीएम रेमी, वो अगर स्ट्राइक मारता था ना तो सर क्यों स्ट्राइक मारा, बोलता था कि इस वजह से मारा, तो ठीक है नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं होगा, तो डिलीट कर देता था स्ट्राइक। बट आज कुछ बंदे के अंदर, एक लड़की सुना है पता नहीं मैंने, तो मेरे को आज तक उस लड़की की तरफ से स्ट्राइक नहीं आया, बट एक लड़का है उसकी तरफ से एक स्ट्राइक आई है, मैं बहनचोद में बता रहा हूँ, घर में जाकर हाथ काट कर लेके आऊँगा, जिंदगी बात रोता रहेगा कि किससे पंगा लिया था। और दूसरी बात, अभी गाइस हम लोग बनाने वाले यूट्यूब कम्युनिटी अलग से ही, तो गाइस यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े यूट्यूबर ना होंगे तो यूट्यूब कम्युनिटी नहीं बनेगा,
बहुत सारे यूट्यूबर मिलकर कम्युनिटी बनता है, ना कि 20-30-100 यूट्यूबर से यूट्यूब कम्युनिटी बनता है। तो इसके लिए गाइज मैं आपको जीमेल एड्रेस दूंगा, डिस्प्ले पे पॉपअप हो रही है। आपको इस जीमेल एड्रेस पे आपकी यूट्यूब चैनल का नाम, आप कितने सब्सक्राइबर हो, आप फ्री फायर खेलते हो, आप पबजी खेलते हो, कुछ भी है, आई थिंक हमारी कम्युनिटी फ्री फायर के ऊपर बनेगी। तो अगर आप फ्री फायर खेलते हो या फ्री फायर में इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो आपकी फ़ोन नंबर के साथ। हम लोग ग्रुप बनाएंगे, आपको डिस्कॉर्ड में भी ऐड कर देंगे, और आपको कभी भी कुछ गलत होता है तो हम लोग सपोर्ट करेंगे आपको। एंड मेन थिंग है, कुछ भी बड़ा चीज़ होने से पहले आप लोगों के साथ बातचीत करना, मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ होता है कि आप कुछ करने जा रहे हो, कुछ अगेंस्ट करना चाहते हो, तो आप लोग सबके साथ बातचीत करके उस चीज़ को करो, ये बड़ी चीज़ होता है। तो गाइस जो भी बंदे इस यूट्यूब कम्युनिटी में, फ्री फायर यूट्यूब कम्युनिटी में ज्वाइन होना चाहते हो, तो ये पहला फ्री फायर यूट्यूब कम्युनिटी है। इससे पहले जो बोलते थे ना यूट्यूब कम्युनिटी है फ्री फायर में, मेरा माँ चोद लो बहन चोद, कोई कम्युनिटी आज तक बनी नहीं थी। तो भाई आज तक फ्री फायर यूट्यूब कम्युनिटी कभी भी नहीं था, ये सब बोलने के लिए था, कभी भी फ्री फायर यूट्यूब कम्युनिटी नहीं था, सिर्फ था गाइस गरीना के, मतलब गरीना अपने कुछ मॉडरेटर एंड कुतिया चूतिया मॉडरेटर बना के रखे हैं और उसकी पावर में कूद रहे थे। एंड उसकी मॉडरेटर चूतिया क्यों है, क्योंकि ये किसी के बंदे भी सुन लेते हैं, मतलब कोई भी कुछ भी बोलता है हगने चले जाते हैं, चाटने चले जाते हैं बहनचोद, अपनी कोई औकात नहीं है उनकी। मतलब एक होता है ना, मैं GSK हूँ, मतलब ठीक है मैं GSK हूँ, कोई भी बोलता है मेरे को अच्छा लगता है, बट इंडिया के कुछ मॉडरेटर ऐसे है कि उनको देख के यूट्यूबर हंसते हैं कि ये बहनचोद कैसा मॉडरेटर है, दूसरों की चाटता फिरता है, ऐसा सीन हो गया आजकल यूट्यूब। मतलब मॉडरेटर नाम की कोई इज्जत ही नहीं है इनका, तो अलग चीज़ है वो तो सबको पता ही है, सारे यूट्यूबर क्या हंसते या ना करते। तो गाइस मेन थिंग है, जो भी यूट्यूबर हो, जो ईमेल एड्रेस दिख रहा है डिस्प्ले पे, इस पे अपनी फ़ोन नंबर, अपनी चैनल डिटेल्स भेजो, आप लोगों को ग्रुप में ऐड किया जाएगा, हम लोग बनाएंगे यूट्यूब कम्युनिटी, एंड देखेंगे गाइस किसकी ज़्यादा दम है, फ्री फायर की दम है, गरीना की दम है, या भाई यूट्यूबर्स की दम है, छोटे छोटे यूट्यूबर्स की दम है, या अपने चूतिए से मॉडरेटर एंड अपने चूतिए से ये क्या बोलते पार्टनर प्रोग्राम की ज़्यादा पावर है, कि हम लोगों की ज़्यादा पावर है। तो हम लोग दिखाएंगे, हम लोग बड़े वाले लड़ेंगे गाइस, एंड देखेंगे किसकी ज़्यादा दम है और हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। एंड अलग बात है स्ट्राइक की, स्ट्राइक की बात तो अलग ही है बहनचोद। स्ट्राइक अगर स्ट्राइक माननी है कुछ रीजन से मारो, माँ कसम घर पर जाके ठोकेंगे बहनचोद एक एक को। यही बोलते हुए चलते गाइस, तो जो भी बंदे देख रहे हो मैसेज कर देना अगर ज्वाइन करनी हो, एंड बाय बाय। और सबको एक वार्निंग भी मिल गया कि गांड मत फुलाओ, गांड में हवा भर देंगे।